हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो काफ़ी दिन के बाद आज हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं मेरे जैसे दोस्त संजय के साथ। और 3 4 दिन हो गया होगा हम लोग लास्ट ब्लॉगिंग किए थे। डे नाइट टूर्नामेंट हुआ था बसिया में, स्टेडियम गए थे, आप लोग देखे होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं गुमला, थोड़ा सा काम है और वहाँ से कहीं और चलने का हम लोग का प्लान है। तो पिछले वीडियो आप सभी ने देखा होगा, मोटो ब्लॉगिंग किए थे हम लोग जोलो पुल में यहाँ, और वहीं से आज स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। तो चलिए अभी नहीं बताते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वीडियो में बने रहना एंड तक, दिखाते हैं। सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग घर तो देख चुके हो, बहुत बार दिखा चुके हैं फूल। तो चलते हैं अभी आगे, तो ब्लॉग में बने रहना। ओ भाई मज़ा आ रहा है गाइस, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। सो गाइस, अभी पहुंच चुके हैं गुमला और हमें थोड़ा सा यहाँ पे काम है। तो चलो काम कराते हैं, उसके बाद कहीं और चलेंगे घूमने के लिए। तो यहाँ पे बाइक लगा देते हैं और कुछ काम कराते हैं। तो ब्लॉग में बने रहना, दिखाते हैं आज बहुत ब्यूटीफुल जगह, सुंदर सा जगह पे जाने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर काम कराते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग फाइनली पहुँचने वाले हैं जहाँ पर हम लोग निकले हुए थे आज जाने के लिए। और काफ़ी दूर रास्ता तय करने के बाद वहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा पहाड़ जंगल, वहीं पे जा रहे हैं। सो चलो अभी पहुँचते हैं, दिखाते हैं प्यारा सा लोकेशन है और पहुँच के आप सभी को सारा डिटेल एक्सप्लोर कराएंगे, बताएंगे। सो ब्लॉग में बने रहना, अभी पहुँचते हैं और दिखाते हैं। वापस जा रहे हैं गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं। सो गाइस, अभी फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और देख लो इधर दुकान है और बहुत प्यारा जगह है भाई, और मंदिर आगे है तो चलते हैं उधर, बहुत ऊंचे जगह में है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, रंजन धाम में आपका हार्दिक स्वागत है, गुमला वन यहाँ पे स्वागत के लिए। तो चलो अभी चलते हैं और दिखाते हैं भाई, इधर से किधर से भाई ठीक है। अच्छा, सो गाइस इधर से इस रास्ता से जाना है और इस रास्ता से वापस आना है। तो चलो अभी चलते हैं। सो गाइस, यहीं पे हुआ था हनुमान जी का जन्म। तो चलो अभी चलते हैं ऊपर और सारा चीज़ आप सभी को एक्सप्लोर कराते हैं, दिखाते हैं। और भाई अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा रास्ता तय करने के बाद अभी पहुँचे हैं यहाँ पे, और जगह भाई बहुत बहुत मस्त जगह है। आप लोग को कभी टाइम मिलता है तो ज़रूर आइएगा यहाँ पे घूमने के लिए। अभी तो उतना ज़्यादा मतलब होता होगा भीड़, अभी तो शाम का टाइम है ना, तो जो लोग आए थे वो वापस जा रहे हैं, नीचे कुछ कुछ लोग मिले थे तो यहाँ पे हो सकता है। तो चलते हैं आगे और थोड़ा सा ऊपर जाके चारों तरफ का व्यू दिखाएंगे भाई, एकदम जो पहाड़ है ना उसके ऊपर में है पूरा, और जंगल नीचे पूरा ही है, पूरा ख़तरनाक। चलो अभी चलते हैं दिखाते हैं। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर, इधर देख सकते हो मंदिर, यहीं पे आते हैं लोग, और इधर है मंदिर पूरा, इसका बनावट है पहाड़ है, खुदाई उदाई करके बनाया गया है। चलते हैं अभी ऊपर, ऊपर से व्यू दिखाएंगे। फिर ऊपर ही मंदिर है, देख सकते हो इधर, और दर्शन कर लिए हैं गाइस। और यहाँ से जो भाई व्यू है ना,
पूरा बहुत खतरनाक लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये जो बनाया गया है सांचन धाम को, वो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर में है, तो बिल्कुल आप लोग ज़रूर आइए घूमने के लिए। हो सकता है हम लोग कैमरा में वीडियो में उतना अच्छा से दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन जो आप लोग आइएगा ना भाई, मज़ा आ जाएगा देख के। हम लोग आए हैं मंदिर के बिल्कुल टॉप पे, यहाँ पे बैठने के लिए बनाया गया है, और भाई व्यू दिखाते हैं अभी। तो भाई हम लोग यहाँ पे घूम लिए, और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। तो अभी घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। और पूरा यहाँ पे उधर चढ़ने के लिए भी सीढ़ी है और उतरने के लिए भी सीढ़ी है, तो उतरते चढ़ते थोड़ा सा थक गए हैं, पूरा पसीना वसीना आ रहा है। तो चलते हैं अभी घर, आगे कोई शायद झरना उरना है, आवाज़ कर रहा है, हो सकता है तो जाएंगे, नहीं तो नहीं भी जा सकते हैं। तो चलिए, कभी ज़रूर आइएगा, मौका मिलेगा तो। गुमला से करीब 30 किलोमीटर के अंदर में होगा, 30 से 35। तो इस वीडियो में यहीं तक, और अभी घर जाना है, काफ़ी दूर 50 किलोमीटर पड़ जाएगा हम लोग को। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। चलते हैं घर, और जहाँ पे देवी देवता था, मंदिर था, उसको मैंने कैमरा में नहीं किया। एक्चुअली हम लोग दर्शन कर लिए थे, लेकिन मैं सोचा उसको नहीं कैप्चर करते हैं।